Welcome back to a brand new vlog. I hope you guys are doing well. So यार कल है मेरी लास्ट डे पार्टी एंड उसकी मैं कर रही हूँ प्रिपरेशन. मैंने मेहंदी मंगवाई थी, अभी मेहंदी लगाई है. तो मेहंदी शेंदी मेरी सूख चुकी है. अब कपड़े डिसाइड करते हैं कि मैंने सुबह क्या पहनना है एंड साथ साथ केक भी ऑर्डर करना था. एंड केक जो है मेरा आ चुका है, अब इसे देखते हैं सही बना है कि नहीं. और इसके पीछे बहुत लंबी स्टोरी है, बहुत ही मुश्किल से केक आया है क्योंकि मैंने लेना था जाके ऑन द स्पॉट, लेकिन मेरा भाई सो गया था एंड अभी मैंने किया है ऑर्डर. और ऑर्डर बार बार कैंसिल हुआ जा रहा था क्योंकि सारी रोड्स खराब हुई हुई हैं, कंस्ट्रक्शन हुई हुई थी, तो पता नहीं क्या मसला था. एंड देन मैंने जो है उनकी हेल्पलाइन पे कॉल की और बड़ी मुश्किल से आया. मैंने इतना कुछ लिखवाया था लेकिन ये थोड़ा सा उन्होंने ख़राब भी कर दिया है, लेकिन कोई बात नहीं. और हमने लिखवाया बेस्ट कोऑर्डिनेटर 2024, बेस्ट 2024. और गर्मी इतनी शदीद पड़ी है, आइसिंग सारी मेल्ट हो रही है और ये ख़राब हुए जा रहे हैं, ऊपर डब्बे से लग रहा है, तो इसे बड़े आराम से मुझे कल लेकर जाना पड़ेगा. तो यार इट्स अ नेक्स्ट डे एंड आई एम रेडी टू गो. मैं जा रही हूँ यूनिवर्सिटी. ये रहा मेरा केक, रेडी शेडी में हो गई थी लेकिन अभी रास्ते से जाना है तो सारा जो है तैयारी शारी तो ख़राब हो ही जानी है. यूनिवर्सिटी जाके एक बार टचअप कर लेंगे. एंड भाई लेकर आए हैं ब्रेकफास्ट, तो ब्रेकफास्ट में आज हमारे पास नान चने. अभी ब्रेकफास्ट करते हैं और उसके बाद निकलते हैं यूनिवर्सिटी के लिए. एंड अभी मैसेज आया कि हम लोगों का फर्स्ट लेक्चर भी है, 9 बजे लेक्चर स्टार्ट होना है और 8:30 मैं घर पर हूँ. लेट्स सी मैं टाइम पे पहुँच पाती हूँ कि नहीं पहुँच पाती. लेकिन मेरा जाना आज बहुत ही ज़्यादा मैंडेटरी है, मेरे बगैर फंक्शन ही नहीं हो सकता क्योंकि केक मेरे पास है. कह रहे अभी ब्रेकफास्ट कर लेते हैं आराम से और तुम लोगों से मिलती हूँ मैं ब्रेकफास्ट करने के बाद. मैं यूनिवर्सिटी आ चुकी थी एंड दिस इज माय केक जो कि बहुत ही मैं ज्यादा आराम ध्यान से लेकर आई हूँ. गर्मी इतनी पड़ रही है कि केक मेल्ट हो रहा है. अभी डिपार्टमेंट में चलते हैं, बहुत जोर की गर्मी लग रही है क्योंकि मैंने बहुत ही ज्यादा मोटा सूट पहना और बंदा जब तैयार होता है तो गर्मी ज्यादा लगती है. बात तो सही है. एंड शुक्र है मैं टाइम से पहुंच गई यूनिवर्सिटी. अब चलते हैं लेक्चर लेते हैं. और यहाँ पर जी कल हमारा फंक्शन है. फंक्शन इन्होंने हमें बताया कि कोई कॉन्फ्रेंस है, उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं अंकल. गाइज अभी मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ फिर बाहर आई हूँ. हमें चाहिए थे गजरे क्योंकि हमारे पास 8 गजरे थे और हमें चाहिए टोटल 11 गजराज क्योंकि हमारी टीचर्स वगैरह 11 है, तो हम लोगों को 8 गजरे लेने थे. अभी मज़ीद गजरे लेते हैं यहाँ से, हमने इनसे बार्गेनिंग करें और ये बहुत महंगे गजरे लगा रही हैं. तो अभी हम लोग ब्रिज वाली आंटी से पूछते हैं कि वो कितने का लगाती हैं और उनसे लेते हैं, ट्राई करते हैं. और ये रहे गजरे, मुझे गजरे बहुत पसंद है और तकरीबन इन्होंने भी सेम ही लगाया है हमें. 100 रुपये का गजरा कह रहे हैं आई गेस ये. और बाद में हमें याद आया कि हम लोगों ने एक्स्ट्रा ले लिए हैं तो कुछ हमने वापस कराए क्योंकि बहुत सारे ले लिए थे, लेकिन वापस इन्होंने सस्ते लिए हैं. तो अभी यूनिवर्सिटी में आए, यहाँ पर हम कुछ ज्वेलरीज वगैरह देख रहे हैं, तो ये हमने कुछ गजरे अपने लिए भी ले लिए थे. तो अभी यहाँ पर हम बना रहे हैं रील्स वगैरह अपनी फ्रेंड्स के साथ. एंड आई डोंट थिंक सो कोई लड़की होगी जिसे गजरे नहीं पसंद होंगे. तो अभी हम पिक्चर्स वगैरह ले रहे हैं क्योंकि हम लोगों को चाहिए थे कि कमेटी रूम और वहाँ पर हो रही थी कोई प्रेजेंटेशंस वगैरह, वो फ्री नहीं था. तो तब तक हमारा फंक्शन स्टार्ट नहीं होगा जब तक हमें कमेटी रूम नहीं मिलेगा. तो उससे पहले हम लोग यहाँ पर बना रहे हैं टीचर्स के लिए कोई कार्ड्स वगैरह. एंड कार्ड्स का प्लान अभी अभी बना है और हमारे पास टाइम है 1 घंटे का, और 1 घंटे में हम लोगों को 11 कार्ड बनाने हैं. हमारे पास इतना टाइम नहीं था कि हम सोचेंगे बनाएं, सो जो माइंड में आता कि हम लोग वो बनाते गए. तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं और सोच रही हूँ कि पॉपअप कार्ड बनाऊँ, लेट ट्राई, क्योंकि ये कार्ड जो है बहुत ही ज़्यादा मोटे हैं, वो बनते हैं पतले कार्ड्स पर जो कि कंप्यूटर शीट्स होती हैं. तो यहाँ पर ये हमारा प्लान फ्लॉप हो गया था, तो फिर बाद में हमें कंप्यूटर शीट्स भी मिल गई थी, लेकिन हम लोग अब सिंपल सा कार्ड बना रहे हैं क्योंकि टाइम इतना नहीं है. एंड हमारे साथ हमारे जूनियर्स भी हमारी हेल्प करा रहे हैं, ये फूल उन्होंने ही बना के दिए हमें. हमने बाकी टीचर्स के लिए सिर्फ गजराज लिए थे तो हमने सोचा कि कार्ड्स वगैरह भी देते हैं. और यहाँ पर हम लोग इसकी राइटअप कर रहे हैं बैच 2024 और टीचर्स के लिए प्यारे प्यारे से कार्ड्स लिखेंगे. इतने मज़े के कलरफुल कार्ड्स लग रहे हैं ये एंड आई होप टीचर्स को पसंद आए होंगे. तो कमेटी रूम खुल चुका था, हम लोग इधर ला के हमने सारी चीज़ें सेट कर दी हैं, कार्ड्स वगैरह सेट कर दिए हैं, बच्चे भी आ गए हैं. गजरे हम लोगों ने फ्रिज में रखवा दिए थे क्योंकि अभी काफ़ी टाइम पहले हम लोगों ने ले लिए थे. एंड अभी मैं इसको ट्रे में सेट कर रही हूँ, उसके बाद इसको वहाँ कमेटी रूम में लेकर चलते हैं और सब टीचर्स को बारी बारी करके देते हैं. इनको अच्छे से असेंबल कर लेते हैं ताकि अच्छे से प्रेजेंट करने में भी मज़ा आए. आज के फंक्शन की मोस्टली सारी जो अरेंजमेंट्स है, मैनेजमेंट है, वो हम लोग देख रहे हैं, हमारा ग्रुप, क्योंकि एक किस्म का हम लोगों ने ऑर्गेनाइज़ कराया है ये. एंड आई वॉज़ वेरी एक्साइटेड इस दिन के लिए क्योंकि यार 4 साल बाद ये दिन आता है और बुरा भी लग रहा है कि हम यूनिवर्सिटी छोड़ रहे हैं, लेकिन मज़ा भी आ रहा है, खुशी भी हो रही है एंड आई एम वेरी एक्साइटेड. तो यहाँ पर गजरों की ट्रे रेडी हो गई है, मैं ये लेकर जाती हूँ. मेरी फ्रेंड बर्तन वगैरह लेकर आ रही है केक्स वगैरह के लिए. और यहाँ पर मैंने सर से मंगवाया है
केक स्टैंड, और अभी सर वॉश करने जा रहे हैं इसको। इसको भी फिर हम लेकर चलते हैं कमेटी रूम में, इसमें केक रखेंगे। और यहाँ पर हम बास्केट्स ले हैं, उसमें हम सेट करें अपने कार्ड्स वगैरह, गजराज वगैरह, और साथ ये प्लेट्स वगैरह हटा के यहाँ केक स्टैंड रखते हैं, उसके ऊपर केक रखते हैं। एंड सारे काम अब हो चुके हैं, तो अभी हम टीचर को भी बुलाने चलते हैं। उससे पहले यहाँ पर हमारे बन चुके हैं पोस्ट कार्ड, और ये बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लग रहे हैं। मैम को बुला लिया था, एंड यहाँ पर हमने मैम को गिफ्ट भी दे दिया, हम लोगों ने उनके लिए ड्रेस लिया था। और इधर हमारा केक भी केक स्टैंड पर आ चुके हैं। अब बाकी टीचर्स को भी बुला कर लाते हैं, HOT को बुला कर लाते हैं, और HOT गई हुई थी कहीं बाहर, तो अभी उनका वेट करेंगे। सो सबसे पहले हम लोगों ने अपनी इंचार्ज मैम के साथ जो है सेलिब्रेट किया, जो कि हमारी कोऑर्डिनेटर भी हैं एंड बहुत ही ज़्यादा स्वीट हैं। एंड बाद में सब टीचर्स आ गई थी, हमने उनको बारी बारी करके गजरे दिए। एंड देन हम लोगों ने देखी डॉक्यूमेंट्री, जो कि हमारे 4 सालों की मेमोरीज थी, और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया, रोना भी आया। डॉक्यूमेंट्री में हम लोगों के फ़न मोमेंट्स है जो कि हमने 4 सालों में गुजारे एक दूसरे के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। काफ़ी सारे फंकी मोमेंट्स थे, और हमें बहुत हंसी आ रही थी, और शर्म भी आई थी क्योंकि मैम के सामने हम लोगों ने प्ले की थी, और मैम भी हंस रही थी हमारी हरकतों पर। तो यहाँ पर हमें बैजेस मिले थे, ये है मेरा बैज, और उसके साथ हमें चॉकलेट भी मिली। तो यार क्योंकि ऑलमोस्ट सारा इवेंट हम लोगों ने ऑर्गेनाइज़ कराया था, तो हम लोग मैनेजमेंट ही करते रह गए थे, एंड हम लोगों को काफ़ी कम टाइम मिला अपने लिए, लेकिन कोई नहीं, बहुत मज़ा आया। उस देन हम लोगों ने सारी टीचर्स को कार्ड्स वगैरह दिए, एंड उसके बाद अपने टाइटल्स दिए, एंड देन खाना शाना खाया। और अभी मैं जा रही हूँ घर स्पीडो पर, और घर जाके तुम लोगों से मिलती हूँ। तो यार मैं घर आ गई थी, घर आकर मैंने आइसक्रीम खाई क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, कुछ ठंडा खाने का मूड था, तो मैंने भाई से आइसक्रीम मंगवाई। और यहाँ पे मैंने सारा मेकअप शेकअप उतार दिया था, ज्वेलरी वगैरह उतार दी थी, चेंज वगैरह कर लिया था। ये है मेरा टाइटल, फंकी चश मैटू। सो गाइज मैं आ गई हूँ ऊपर, एंड अभी मैं करने लगी हूँ वीडियो को एडिट, उसके बाद मैं सो जाऊँगी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। लेकिन वीडियो एडिट करना भी ज़रूरी है क्योंकि मैंने अपलोड करनी है तुम लोगों के लिए। सो यही थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ तुम लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को थम्स अप दो। इसके अलावा तुमसे फिर मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में एक बहुत ही मज़ेदार वीडियो के साथ, एक न्यू स्टोरी लेकर। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखो, और यार तुम लोग मुझे सजेस्ट कर सकते हो मैं तुम लोगों को किस तरह की वीडियोस लेकर आऊँ तुम लोगों के लिए, बिकॉज यू गाइज आर जस्ट लाइक फैमिली टू मी, एंड तुम लोगों की सजेशंस रियली मेंट फॉर मी। सो गाइज व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, टू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, डू शेयर माय वीडियो, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। इंशाल्लाह विल बी राइट बैक विद अनदर एक्साइटिंग वीडियो। अल्लाह हाफिज़।